সমাপ্তিৰ দিশে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰ্যটন বৰ্ষ। অহা 15 মে'ত অন্ত পৰিব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষ। আজিৰে পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অন্ত পৰিল হাতী চাফাৰী। অন্তিম দিনাও বাগৰি বনাঞ্চলৰ ব্যক্তিগত হাতী চাফাৰীত পৰিলক্ষিত হ'ল অভাৱনীয় ভিৰ। উল্লেখ্য যে যোৱা 1 নৱেম্বৰত দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মুকলি কৰা হৈছিল হাতী চাফাৰী। পহৰা বনাঞ্চলত বিভাগীয় 15টা হাতীয়ে চাফাৰী কৰাৰ বিপৰীতে বাগৰি বনাঞ্চলত 35টাকৈ ব্যক্তিগত হাতী নিয়োগ কৰা হৈছিল হাতী চাফাৰী। প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে প্ৰায় 300 শতাধিক লোক জড়িত হৈ আছে হাতী চাফাৰী। আজি হাতী চাফাৰীৰ অন্তিম দিনা কিছু আৱেগিক হোৱা দেখা গ'ল পৰ্যটন উদ্যোগীসকলক। প্ৰতিকূল বতৰ আৰু বাট পথৰ অসুচল অৱস্থাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। অহা 15 মে'ত পৰ্যটকৰ বাবে বন্ধ কৰা হ'ব জীপ চাফাৰী। बहुत अच्छा लगा लास्ट सफारी। हम लोग सब बॉम्बे महाराष्ट्र से आए हैं और ये हम लोग का पूरा ग्रुप है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस था सब। इधर प्रशासन भी एकदम कोऑपरेटिव था, हम लोग को सब गाइड किया और अंदर हम लोग को एलिफेंट सफारी में हम लोग को गेंडा दिखा, डियर दिखा, बारासिंगा दिखा, वो भैंसा दिखा पानी वाला, और मतलब सब अच्छा, नीट एंड क्लीनलीनेस भी अच्छा फॉलो किया है और सर्विस भी अच्छा है। कैसे पता चला था जहां के बारे? हम लोगों को वो टीवी मोदी जी आए उसके बाद थोड़ा उधर का हम लोग ने रिसर्च किया और फिर हम लोग ये बार बच्चे लोगों के साथ ट्रिप इधर प्लान किया। कितने जन थे? हम लोग 22 जन थे बॉम्बे से, मुंबई से। और बहुत अच्छा वेदर, क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है और नीटनेस क्लीनलेस, कोई मच्छर वच्छर कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर। जो पहले से बोलता है और वो जो बोलता है और जो इधर आके देखेगा वो चेंज फील करेगा उधर। हमको इधर आके पहले तो चढ़ने में डर लग रहा था लेकिन एकदम सवारी एकदम अच्छी तरह से कराई। तालाब के पास लेके गए, उधर राइनो अंदर पानी पी रहे थे, खेल रहे थे। फिर हाथी, दो हाथी को हम लोग ने गुड मॉर्निंग बोला तो हाथी ने अपना सूंड ऊपर किया। फिर उधर डियर थे और हाथी चल रहे थे, तभी वो बीच बीच में खड़े होके अपना जो खाना रहता है यानी कि ग्रीन ग्रास, जो वनस्पति जो है वो सब भी खा रहे थे। और इधर क्लीननेस है और बहुत अच्छा है।